फौजी तर्जुमान का बयान, इमरान की किस्मत पर सवालिया निशान। इमरान पर फौजी अदालत में मुकदमा चलाया जाएगा या नहीं, जनरल बाजवा के लिए परेशानी की कोई बात नहीं। इस सवाल का जवाब अब तक नहीं मिला कि क्या लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद केस के सिलसिले में इमरान खान पर फौजी अदालत में मुकदमा चलाया जाएगा या नहीं, लेकिन ये वाज़े है कि साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा के लिए परेशानी की कोई बात नहीं। सीनियर सहाफी अंसार अब्बासी की तजियाती रिपोर्ट के मुताबिक जुमेरात को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डीजी ISPR ने सवाल का बराह रास्त जवाब देने से गुरेज किया कि क्या आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल के लिए इमरान खान को फौजी हुक्काम के हवाले किया जाएगा या नहीं। उन्होंने इस इम्कान की तस्दीक की न तरतीद। ये सवाल जनरल फैज हमीद की गिरफ्तारी और कोर्ट मार्शल की कार्रवाई के तनाजुर में पूछा गया था। PTI के रहनुमाओं को खदशा था कि इमरान खान को फौजी तहवील में दिया जा सकता है और मुमकिन तौर पर उन पर आर्मी एक्ट के तहत फौजी अदालत में केस चलाया जा सकता है। डीजी ISPR ने अपने जवाब में कहा कि पूछा जाने वाला सवाल फर्जी है और इस मामले से मुतालिक है जो जेरे समात है। ताहम उन्होंने इस बात पर भी रोशनी डाली कि फौजी कानून के तहत अगर कोई फर्द आर्मी एक्ट के ताबे किसी को जाती या सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल करता है और इस जमन में कोई सबूत मौजूद है तो कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा। इसका मतलब यह है कि अगर फौजी हुक्काम को सबूत मिलता है कि इमरान खान ने जनरल फैज हमीद को अपने यानी इमरान खान के जाती या सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल किया तो इमरान खान को ट्रायल के लिए फौजी तहवील में दिया जा सकता है। ताहम DG ISPR ने इमरान खान और जनरल फैज के दरमियान किसी रबते पर बराह रास्त तबसरा नहीं किया। DG ISPR से साबिक आर्मी चीफ जनरल खबर जावेद बाजवा और साबिक DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नवीद मुख्तार की जनरल फैज को DG ISI के अहदे पर तरक्की देने और तैनात करने में फौज का नजरिया भी पूछा गया। इसके जवाब में फौजी तर्जुमान ने जवाबन सवाल किया कि ISI का बराह रास्त बॉस कौन है, आपने उस वक्त के वज़ीर आज़म के बारे में बात क्यों नहीं की। फौज के सख्त और शफाफ एहतसाबी निज़ाम पर जोर देते हुए उन्होंने जोर देकर कहा कि ये निजाम महज इल्जामात की बुनियाद पर नहीं चलता। उन्होंने इस बात का इरादा किया कि फौजी एहतसाब का निजाम ठोस शवाहिद पर मबनी है। जनरल फैज की गिरफ्तारी के हवाले से ISPR की साबिका प्रेस रिलीज का हवाला देते हुए DG ISPR ने कहा कि अफसर यानी जनरल फैज ने जाती मफादात और मखसूस सियासी अनासिर के कहने पर अपनी आईनी और कानूनी हदूद से तजावज किया। उन्होंने मजीद कहा कि बगैर किसी सबूत दूसरों को इस अफसर की खिलाफ वर्जियों से जोड़ना नाइंसाफी होगी जिन्होंने अपने जाती मफाद के लिए आईनी और कानूनी हदूद से तजावज किया। जनरल बाजवा और जनरल मुख्तार से मुतालिक सवाल पर DG ISPR का जवाब वाज़ेह तौर पर बताता है कि दोनों रिटायर्ड जनरलों को जनरल फैज के केस में मुलव्वस करने का कोई सबूत नहीं।